फाइनल मैच होने जा रहा है जो कि 14 ओवर का होगा और बहुत जानदार मैच होगा। तो भाइयों बहनों ज्यादा से ज्यादा जो है आए। माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आप देखिए आज है यहाँ पर आईटी का आईपीएल, इसमें जो है हो सकता है 14 ओवर का हो या हो सकता है 16 में। पहले ये बैटिंग करेगा, टॉस होने जा रहा है। पहले ये है बी एन मिश्रा जी टॉस जीते हैं। भैया कल आपकी फील्डिंग चौथा बैटिंग 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 फिर दौड़े हुए कल की तरह। यही उम्मीद मिश्रा जी ने फिर जो जीता है टॉस। और इधर है बेतवा टीम और इसके टीम के कैप्टन है बेतवा टीम के कैप्टन है के। और आप इधर चलते हैं, इधर है डॉक्टर बी एन मिश्रा जो कि गोदावरी गोदावरी टीम के कैप्टन हैं। और ये तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, छोड़कर के माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल बने रहिए। तैयारी की जा रही है और देख रहे हैं आप टीम अंदर जाती हुई और टीम जो अंदर जा रही है ये फील्डिंग करेगी ये वाली टीम केके की टीम। हाँ केके की टीम ये फील्डिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक ग्राउंड के अंदर जाते हैं। हाँ ग्राउंड के अंदर सर्व आ गए हैं फील्ड रक्षण। ये अभी फील्ड सजाएंगे सारे लोग केके की टीम है। हाँ ओके सर बेस्ट ऑफ लक। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। और ये टीम के वरिष्ठ और टीम गोदावरी के ओपनर बैट्समैन श्री पंकज कुमार पंकज पांडे एंड बी एन मिश्रा गुड कैप्टन ओपनिंग के लिए जाते हुए सचिन भाई और ऊपर नीला नीला आसमान आगे है। फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला है। लग रहा है पूरी सब्जी की व्यवस्था है का। हाँ हा? और ये ठंडी ठंडी हवा चलती हुई चलो भैया स्टार्ट राहुल और सामना करेंगे सचिन। विकेट है विकेट विकेट आ रहा है इसी ओवर में। और पहली बॉल और आसानी से डिफेंड कर दिया कोई रन नहीं। हाँ और ये बहुत ही अच्छा कट किया है एक रन के लिए। और ये गोदावरी टीम के प्लेयर सपोर्टिंग देखिए दर्शकों में इतना उत्साह है कि चेयर्स को लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं। आगे तक लोग पहुंच जाए गई बाउंड्री से कम से कम 5 मीटर की दूरी जरूर बनाइएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा 5 मीटर की दूरी पर रहे बाउंड्री से। और ये दूसरी बॉल और पहली उठा दिया और ये कैच आउट हो गए और ये पंकज पांडे को पहली ही बॉल पे आउट कर लिया है। बहुत अच्छा यही शतक मारा था। बहुत अच्छा यार खेलता था ये लगा है काफी
मजबूत स्तंभ माने जाते हैं बल्लेबाजी के अपने टीम के लिए, लेकिन एक नुकसान हुआ और टीम बेतवा को बहुत बड़ी सफलता मिली है। निश्चित रूप से इससे रन बनाने की गति, मोरल। अच्छा, अब जगह है अशोक बाबू और पंकज पांडे जी से काफी उम्मीद थी, वो उस पर खड़े नहीं उतरे और लगता है गोदावरी की जैसे कमर सी टूट गई है पंकज पांडे के आउट होने से। ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाद में इनके बात की खिलाड़ी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। नेक्स्ट आज यहाँ का सामना करेंगे राहुल का अगली बैकफुट पर जाकर के खेला हल्के से स्क्वायर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। और ये सिक्स घूमेगी घूमेगी सबर दे, और ये चौवा और ये चार रन बढ़िया। पंद्रह रन एक विकेट। और राहुल के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बड़ी सफलता, उन्होंने आकाश को क्लीन बोल किया, इसी का दूसरा झटका लगा है टीम सतलुज को 15 रन के स्कोर। अभी तक हुए मैच में पकड़ बना रखी है बेतवा ने, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं राहुल। बहुत बढ़िया फुल टॉस बॉल, वहां सीधे खिलाड़ी के सामने खेला जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर। ओ ये लेग साइड पर गेंद थी और उनके पैरों से लगती हुई गेंद गई है, वैसे एलबीडब्ल्यू या लेग बाई नहीं हो रहा है इसलिए ये डॉट बॉल काउंट की जाएगी। ये सब खड़े हुए हैं, संत महात्मा सब लोग आए हुए हैं आज देखने के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 17 रन 17 रन आफ्टर थ्री ओवर्स लॉस ऑफ टू विकेट, उनमें से दो के दोनों ही विकेट काफी महत्वपूर्ण थे। संजय भैया को ओवर दो। धर्मा सर अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं टीम के लिए चौथा। संजय भैया बहुत बढ़िया। ये शॉर्ट पिच बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा चार रनों के लिए। ओवर पिच गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर भेजा, अंपायर ने दोनों हाथ हवा में उठाए, छह रन लगातार दो गेंदों पर दो। अगली गेंद अच्छी बॉल थी, ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर है 30 रन दो विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब सिर्फ चार खिलाड़ी अंदर रहने मैंडेटरी हैं, बाकी खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं बॉलर और कीपर को छोड़ के। संजय सर सामना करेंगे सचिन। पहली गेंद घुमा दिया उसको फाइन लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर थोड़ा सा ऊपर थे अंपायर के साथ, अच्छा रन। सचिन एरिया को टारगेट कर रहे हैं और पहली बार उन्हें अच्छी सफलता मिली है। 3-4 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ और यहां पर हम देख रहे हैं दर्शक, दोनों टीमों के जो सपोर्टर्स हैं आपस में एक दूसरे को लगातार बार बार। ये गेंद इस बार इन्होंने सामने की तरफ खेला,
बहुत ही अच्छी फील्डिंग की अभिषेक ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में बढ़िया गेंद को रोका, सिर्फ एक रन लेने दिया। पहली बार सामना करेंगे किशन, बढ़िया गेंद को पढ़ नहीं पाए, पहले बैट चला गए, गेंद शरीर पर लगी, कोई रन नहीं। और ये एक बहुत ही बढ़िया शॉट लगा है, गेंद स्टेडियम के बाहर जा सकती थी लेकिन थोड़ी सी पहले गिर गई, अंपायर ने अपना इशारा दिखाया, दिखा दिया, छह रन। अगली गेंद उसको इस बार घूम गए हैं मिड विकेट की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, राहुल ने गेंद को फील्ड किया, सिर्फ एक रन मिलेगा। बल्लेबाज ने स्ट्राइक चेंज की। अब सचिन एक बार फिर से सामना करेंगे संजय का, आगे निकल के आए, डीप मिड विकेट की दिशा में खेला, सिर्फ एक रन मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पांचवा ओवर समाप्त हो चुका है, 42 रन पांच ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर, 42 रन आफ्टर 5 ओवर्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स। देखो तुम लाला, आओ देखो मजा की तरफ आई बॉल, कमल सिर्फ वही बॉल पकड़ पाता है जो बल्लेबाज ना लगे, बहुत अच्छी बॉल फिर अटकेगा। इसे ज्वाइन किया है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो लाला पहले सुबह भी एक थर्ड प्लेस के लिए मैच हुआ था, बहुत दिन बाद YBCC दिखाई दे रहा। टीम सतलुज और टीम कृष्णा का, जिसमें टीम कृष्णा ने तीन विकेट से टीम सतलुज को हराया और तीसरा स्थान पक्का किया। जानकारी जाना गुप्ता वाले में, देखिए उसने फिर सीटी बजा दी, वो हॉर्न दे रही है वो ट्रेन, उसमें जो है वो स्पीकर लगा दिया ना। अच्छा क्या खेला है क्या तुम, घूम गए सीधे हाथ में जाएगी लेकिन कैच ड्रॉप किया। वो बल्लेबाज कंसिस्टेंट होता है ना, वो तो ठीक है, वो तो बॉल मिलने के बहुत कम आ रहा है, बहुत और ये आसान कैच हो सकता है, अच्छे खिलाड़ी वहां पर लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है, दोनों खिलाड़ियों को जीवनदान मिले और इस तरीके से तो आप अगली गेंद मिड विकेट की तरफ से खेला, इस बॉलर के पास गेंद निकली, एक रन मिलेगा, बॉलर कितनी बॉल डालेगा, अगर उस टाइम सीधे बोल नहीं कर सकता तो कैच के लिए जरूर कोशिश करवाता है, बट उसमें उसको फील्डर्स का पूरा सहयोग चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा जंबल हुआ फील्ड में, लेकिन फिर भी एक रन मिला। रनिंग भी तो नहीं हो रही है, दो रन थे, 10 रन कम से कम। अगली गेंद फिर से वैसे ही खेलना चाह रहे थे, देखो शायद क्रीज के आगे खड़े हूँ, 24 गेंदे फेंकी जानी शेष। अमित गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, बहुत
सकते हैं। सीधा खेला है एकदम स्ट्रेट में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं सीधे चार रन के लिए। बहुत बढ़िया, अगली गेंद हवा में है, छह रन। छह रन लगातार एक गेंद पे चार, दूसरे पे छह। वो इंपैक्ट प्लेयर बन के आया है। बॉलिंग अच्छी है, एक बन सकता है लेकिन खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाए। तब तक बल्लेबाजों ने अपनी स्ट्राइक रोटेट की। अब पहली बार अमित स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे राहुल का। राहुल सफल गेंदबाज है अभी तक टीम के। पहली गेंद दोहराते ही उन्होंने उसको सीमा रेखा के बाहर भेजा है छह रनों के लिए। इसी चीज का इंतजार था, ये सोच रहे थे शायद कोई आउट हो जाए तो मैं आऊंगा, लेकिन आउट नहीं हुए, जबरदस्ती आना पड़ा। टीम गोदावरी की सेंचुरी भी पूरी हो चुकी है इसी छह रन के साथ, 100 रन पूरे। फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद तक वो नहीं गए। एक रन मिलेगा, यही चाहिए किसान। तुम भी मारो हॉक के, तो चलना नहीं तो फिर से फुल टॉस गेंद, उसको मिड विकेट की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा। काफी तेज शॉट खेला है, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद ने उनको छकाया, सीमा रेखा पार के लिए उसने अंपायर के साथ चार रन। रन गति को बढ़ाते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर में नहीं, 6, 4, 10, 11, 12, 4, 16 11 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 107 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। स्कोर बोर्ड अपडेट करिए, 107 रन 11 ओवर। ये फुल टॉस गेंद थी, खिलाड़ी सामने खेला लेकिन फिर से गेंद बाउंस हुई और खिलाड़ी ऊपर निकल गई, फील्डर कुछ नहीं कर पाया। चार रन लगातार चौथी बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, अच्छा ओवर साबित होता हुआ टीम गोदावरी के लिए। अगली गेंद हवा में है, यहाँ पर ये बाउंड्री की तरफ जाते हुए और चार रन। इसी के साथ किशन जी का हाफ सेंचुरी भी बन चुकी है। वेरी गुड, लगातार पहली गेंद दिशा से हटके वाइड का इशारा अंपायर का। यहाँ पर लेकिन गेंद थोड़ी ज्यादा बाउंसी निकली और फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई, चार रन। बहुत सही श्रीनिवास सर, हमारी वाली नहीं पकड़ते हैं लेकिन धर्मा सर वाली बॉल पकड़ रहे हैं आप, उन्हीं को हेल्प। अगली गेंद फिर से वहीं पर है और इस बार कोई गलती नहीं की, गेंद को रोक लिया है, सिर्फ एक रन मिलेगा। संजय सर का पहली बार सामना करेंगे,
अभी झंडे के पास, झंडे के पास जाएगी, झंडे के पास ये गेंद सीधे स्टेट खेला हुआ है और एक और चार रन, झंडे के पास गई, काफी महंगा ओवर रहा, कुल 24 रन खर्च किए इस ओवर में। अगली गेंद सीधे खिलाड़ी के पास खेला है, वहां पर अब शेख मौजूद थे, बहुत बढ़िया थ्रो किया, बहुत बढ़िया थ्रो, लेकिन तब तक किशन अपने क्रीज में वापस आ चुके थे, सेफ है। अगली गेंद ऑफ स्टंप से काफी दूर रही, अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए हैं, एक छोटी सी अपील भी की है कीपर ने, लेकिन वाइड कोई नुकसान नहीं, एक अतिरिक्त रन। अच्छी बॉल, बिल्कुल भी पढ़ने से चुके उसको, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी अच्छी गेंद, शॉट सीधा 6 रन। अगली गेंद फिर से दिशा से भटके और अंपायर के सारा वाइड, अगली गेंद थोड़ा सा पहले खेल गए, यहां से जैसे देखने को मिला थोड़ा पहले खेल गए, डॉट बॉल, अच्छी गेंद थी पढ़ नहीं पाया उसको, ये गया, अब ये लूज बॉल डाली थी उसको पकड़ लिया पहले भी थी और 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार भेजा। नौ चार 13 रन, अमित एक रन लिया, कटर मार रहे कटर, रुक के रुक के, ये फेंक गया भी, अगली यार फिर से एक वाइड, ऑफ स्टंप से काफी बार रही, अमित कटर फेंक रहे हैं, अब बार के सर वाइड 145, 145 रन, साला हम कीजे ले रहे हैं तुम्हारा, हाँ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 145, आखिरी 6 गेंदें थी कि जंग शेष, ये कितने हो गए टोटल 145 करने के लिए आए हैं अभिजीत, सामना करेंगे किशन जो हाफ सेंचुरी बना के खेल रहे हैं, पहली गेंद दिशा से भटके काफी दूर रही ऑफ स्टंप के, अंपायर के सारा वाइट और एक रन दौड़ के भी लिया, 2 रन आए इस गेंद पर, गेंद नहीं हुई, लीगल डिलीवरी नहीं थी, लेकिन 2 रन बन गए। ये पक्की हुई गेंद थी, गेंद हवा में है, वहां खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं, उनके ऊपर से गेंद चली गई, 6 रन अंपायर का इशारा। दायरे के 1.5 ओवर पूरे हो चुके हैं, ये गेंद काफी ऊपर रही दिशा से भटके हुए थे, अंपायर के सारा वाइड और पीछे 4 रन भी गए हैं, 25 हो जाएंगे, अरे नो बॉल है फ्री हिट, अरे नो बॉल है फ्री हिट, अरे यार तो गलत दिया ना ऊपर, अंपायर ने वाइड दिया है, वाइड और 4 रन। ये गेंद पटकी हुई थी इसके लिए पहुंचे और वहां पर खिलाड़ी ने फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद तो नहीं रोक पाए, 4 रन, 10 रन ज्यादा हो चुका है मैदान पे, गेंदें दिखनी कम हो जा रही हैं। अरे सुनील भाई मालूम राकेश पड़ा है, राकेश खड़ा है,
अगली गेम एक अपील की है यहाँ पर, कीपर ने काफी तगड़े अपील की लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। ये गेंद हवा में है और छह रन हो सकते हैं। छह रन राकेश को चुन लिया है। आखिरी गेंद फेंकी जानी है। वैसे मैं एक बल्लेबाजी अपडेट दे दूं, ये अपडेट स्ट्राइकर के लिए है। ये गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, भागते रहे बल्लेबाज। एक और ले लीजिए। इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति 170 170 बन गए। 71 रन बनाए हुआ 174 रनों का मूल्य योगदान किया अमित दोहरे ने सिर्फ 15 गेंदों में। एक सौ 72 रन बनाने हैं 14 ओवरों में टीम बेतवा को जीतने के लिए। आप जो लंच हुआ है बहुत बढ़िया बॉलिंग है यार। किसको किसको चाहिए 3 रन? अमित को हैं? अमित 47 रनों पर खेल रहे थे सर। आइए इधर देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ वाइट का इशारा दिशा से बच के और नतीजा 1 अतिरिक्त रन। अब जो है 15-20 मिनट का जो है लंच हुआ है और गुड्डू भाई हमारे जो पधार चुके हैं। जप नाम जप नाम जप जप क्या क्या कर रहे हैं?